रिपोर्ट में हूँ अनामिका। लालू राबड़ी परिवार में जारी घमासान और तीखा हो गया है। जी हाँ, तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोला है। तेज प्रताप ने तेजस्वी पर राबड़ी देवी और मीसा भारती को भी किनारे लगाने का आरोप लगाते हुए कहा कि बिहार की महिलाएं उन्हें कभी माफ नहीं करेंगी। हालांकि तेज प्रताप सीधे तेजस्वी का नाम नहीं ले रहे, लेकिन वो किसे और क्यों कह रहे हैं ये बातें पूरी तरीके से क्लियर है। दरअसल तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी पर यह हमला राजद के स्टार प्रचारकों की सूची को लेकर के बोला है। बिहार में विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। राजद ने उस उपचुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। इसमें तेज प्रताप यादव के साथ साथ राबड़ी देवी और मीसा भारती का भी नाम नहीं है। इसी मसले पर तेज प्रताप ने ट्विटर के जरिए हमला बोला है। राजद के स्टार प्रचारकों की सूची में मेरा नाम रहता ना रहता, माँ और दीदी का नाम रहना चाहिए था। जी हाँ, माँ और दीदी का। इस गलती के लिए बिहार की महिलाएं कभी माफ नहीं करेंगी। दशहरा में हम माँ की ही आराधना करते हैं ना जी। इस ट्वीट में तेज प्रताप ने माँ को लेकर की कविता भी लिखी। उन्होंने लिखा है, ऐ अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी घर में उजाला हो गया। इस ट्वीट में तेजस्वी यादव का नाम नहीं लिया गया है, लेकिन किसे ये बातें कही जा रही है ये हर कोई समझ रहा है। तेज प्रताप यादव अपने भाई पर सीधे सीधे निशाना साध रहे हैं। इससे पहले राजद ने शुक्रवार को अपने विधायक दल की बैठक बुलाई थी। तेज प्रताप यादव ने उस बैठक का बहिष्कार कर दिया। राजद नेताओं ने जब तेज प्रताप की गैर मौजूदगी की बात पूछी तो उन्होंने कहा कि वो पटना से बाहर है, लेकिन उसी दौरान तेज प्रताप यादव केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस के घर आयोजित रामविलास पासवान की पुण्यतिथि कार्यक्रम में शामिल होने पहुंच गए। ये भी दिलचस्प था कि दो गुटों में बढ़ चुकी लोजपा में पारस भाजपा जेडीयू के साथ है। उनके कार्यक्रम में इन्हीं दो पार्टियों के नेताओं का जमावड़ा था। लालू यादव से लेकर के तेजस्वी यादव स्वर्गीय रामविलास पासवान के विरासत की लड़ाई में चिराग पासवान के साथ मुखर होकर खड़े हैं। लालू दिल्ली में चिराग द्वारा आयोजित रामविलास पासवान के पुण्यतिथि कार्यक्रम में भी शामिल हुए, लेकिन तेज प्रताप यादव अपनी पार्टी और पिता की लाइन के उलट पारस के कार्यक्रम में पहुंच गए। अब आपको बता दें कि इससे पहले राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी कह चुके हैं कि तेज प्रताप खुद ही राजद से बाहर जा चुके हैं। शिवानंद तिवारी ने कहा कि तेज प्रताप यादव अपना संगठन बना चुके हैं और इसीलिए वो राजद से स्वतः यानी कि खुद ही निष्कासित हो चुके हैं। शिवानंद तिवारी के इस बयान का राजद की ओर से कोई भी खंडन नहीं आया, सबके सब चुप्पी साधे हुए हैं। लिहाजा ये डिसाइडेड है कि लालू राबड़ी परिवार की लड़ाई जो है वो निर्णायक